हम पहुंचे हैं बीजापुर मेरी जान यानी गोल गुम्बज के सामने, बीजापुर की आन बान शान कहने वाले गोल गुम्बज के सामने। आज संगमेश्वर महास्वामी जी कंटामिनेट जोन में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम बात कर जानेंगे कि कोरोना की वजह से सामाजिक स्थिति कैसी है। आइए जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से। विजय कुमार घाट के सर, आप यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से क्या क्या हालात हैं सर? इधर अंदर जो गरीब है उनकी हालत बहुत बदतर है। ओके। उनका राशन मतलब दवाखाना बोलो, बच्चे बीमार है उनको बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। okay. और कंटेनमेंट एरिया क्या है, बहुत बड़ा किया है। okay. उसको शॉर्ट करना चाहिए। okay, sir. हाँ, और मानव हक गण मंडल हमारा जो संस्था है, 15 दिन से जे दिन रात पुलिस डिपार्टमेंट धूप में काम कर रही है, उसके लिए पानी बिस्किट कोल्ड ड्रिंक्स हम लगातार आज 15 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सर ने बात कही कि ये लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जैसे कि उनकी मदद कर रहे हैं, पुलिस वालों को उपहार दे रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आइए सर से जानते हैं। सिद्धरामप्पा उप्पिन अखिल भारत वीरशैव महासभे जिला अध्यक्ष। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಯಾನದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಮದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ 50 ಮೈಲ್ ಮೇಲೆ 100 ಮೈಲ್ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಲಿಲ್ಲ, ದುಡುಕಿಲ್ಲ, ಊಟಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಜೋನು ಗ್ರೀನ್ ಜೋನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯಾನ ವಾತಾವರಣ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೊಂದು ಮನೋಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಿಸರ್ಗನೇ ವಿಕೋಪ ಆದದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾಂತ್ವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಾಶಿಂಪುರ ಅವರು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿರಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವನ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಡಾಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜೋನ್ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 24 ತಾಸು ಸೇವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಮಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನೀವು ಬತಾಯಾ ಕಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಿ ಮದದ್ ಕರ್ಕೆ ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಸೆ ನಿಕಲ್ನೆ ಕಾ ಹಲ್ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ್ ಹಿ ಚೀಸ್ ಕಾ ಹಲ್ ನಹಿ ನಿಕಾಲ್ ಸಕ್ತಿ. ಆಯಿ ಹಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಯರ್ನಾಳ್ ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೆ ಕಿ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ किसान हैं यहाँ पे जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों के हालात कैसे हैं और सरकार को उनकी मदद के लिए क्या करनी चाहिए? किसान बहुत बुरी वक्त में है. इधर जो इधर जो फ्रूट्स जो ग्रेप्स ज़्यादा हम इधर कल्टीवेशन होता है ग्रेप्स का, तो अभी इधर से हम मुंबई और बेंगलोर जो मेट्रो सिटी है ना इधर से जाता था, मगर अब क्या हो गया, अभी सब कुछ अभी क्लोज है, मार्केट तो लॉकडाउन है. इसीलिए इस साल तो बहुत परेशानी में हमारे ये सभी किसान भाई और जो अभी पैदा कर रहे हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह उसको भी मार्केट नहीं है. सरकार इसके बारे में सोचने का और एक व्यवस्था करने का, एक मार्केट इधर टेम्पोररीली बनाने का जो किसान को उससे नुकसान न हो. हाँ, और लोगों में अभी डर है यदि अभी कितना दिन अंदर ही रुकने का, क्योंकि जो ज़्यादातर मजदूर लोग हैं रोज कमाने का खाने का,
तो उन लोगों के लिए तो सरकार ने चावल वगैरह दिया, मगर उससे क्या हो सकता है, पैसा तो चाहिए ना जिंदगी बसर करने के लिए, तो बहुत समस्या है। सर आपके अनुसार सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए किसानों की मदद के लिए? जो जो अभी हमारे ग्राम पंचायती जो कचहरी है ना, उधर से उन सब का एक व्यवस्था होने का, सभी लोग जो अभी तहसीलदार और जिला कमिश्नर को खुद आकर उनसे बात नहीं कर सकते, अभी लॉकडाउन है, तो ऐसा ऑफिसर्स उनके ही घर को जाकर उनका समस्या क्या है उसको मालूम कर कर एक राह निकलने का इसका। सर आपका नाम? मेरा संगन बसु स्वामी जी, विरक्त मठ एरनाल। जैसे कि स्वामी जी ने सुझाव दिया कि पंचायत के अनुकूल से उसकी मदद से हम गरीबों तक पहुंच सकते हैं, किसानों तक पहुंच सकते हैं और हम किसानों की मदद कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं हाशिपीर सर से कि उनका क्या कहना है। सर पॉलिटिकल व्यू से हम कैसे इंसानों की, गरीबों गरीब इंसानों की मदद कर सकते हैं? मैडम अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ पैसा रिलीज किया है, तो अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हर परेशान जो है, जो गरीब है, उनको ठीक तरह से पैसा पहुंचना है। और दूसरी बात यह है, जितना लॉकडाउन सील डाउन करे हैं, कितना जरूर है उतना ही करो, ये एरिया बहुत हो गया, इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, तो सरकार गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे। सर आप कैसे मदद की उम्मीद करते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते गरीबों को किस तरह की मदद मिलनी चाहिए? जो बाजार में काम करता है, हमाल है, ऑटो चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, सब्जी बिकाने वाला है, रोड पर फ्रूट्स बिकाने वाला है, ये लोगों का माहिती म्युनिसिपैलिटी पर है, वो उनके थ्रू लिस्ट लेके उनको जो पैसा देना है वो पैसा देना है। और दूसरी बात, उनको काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए उनको मौका देना चाहिए, 2 महीना हो गया बहुत परेशान है, इसलिए अर्जेंट इसका काम करना जरूरी है। जैसे हाशिमपीर वालिकार सर ने बताया कि मजदूरों और किसानों का लिस्ट कॉरपोरेशन के से निकाल कर उन लोगों को सही से, कहीं फिर भी गफलत ना किए, उन लोगों को डायरेक्टली मदद पहुंचाने की सुझाव दिया है इन लोगों ने। आइए हम और एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करते हैं कि इनका सुझाव क्या है। सर आप इस लॉकडाउन के परिस्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम दिलावर काजी है, JDS वर्किंग प्रेसिडेंट। लॉकडाउन के इस समय में बीजापुर में जो लॉकडाउन हुआ है, पूरे देश में जो हुआ है, बीजापुर जो है ऑरेंज जोन में आया हुआ है हमारे SP साहब और DC साहब की कोशिश की वजह से, क्योंकि उन्होंने सही वक्त में सही काम करके जो है सही जगह जो है लॉकडाउन किए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ एक ही, क्योंकि लॉकडाउन तो किए हैं, अभी जो सील डाउन किए हैं, किसी एक मोहल्ले में अगर हुआ रहा पेशेंट है तो उस मोहल्ले को आप जो है पूरा सील कर दो। एक मोहल्ले में अगर सील डाउन ये पेशेंट होता है, तुम तकरीबन 15 से 20 मोहल्लों को जो है अगर आप सील डाउन करेंगे तो ये जो है खाने पीने की समस्या तो होने वाली। एक आदमी मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर चला रहा हूँ, बात अलग रहती है, लेकिन पूरा एक 40,000-50,000 लोगों का एक इलाका जब तुम बंद कर जाते हैं तो वो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? गवर्नमेंट भी कितना देगी और काम कर दानी देने वाले भी कितना देंगे? एक आदमी अपने घर का चला सकता है, 2-4 लोग जो है कुछ दोस्तों को दे सकते हैं, आजू बाजू वालों को, लेकिन 40,000-50,000 लोगों को तुम रोज़ाना खाना देना, हर एक के लिए तकलीफ़ है उनके लिए। मेरा मतलब यह है कि आप जो सील डाउन जो किए हैं, सिर्फ जहाँ पर पेशेंट है उसका सराउंडिंग 100 मीटर करो बस। सर ने हमें बताया कि सील डाउन एरिया को रिलीज कर दिया जाए, जहां पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर सील डाउन किया जाए। हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर ये जाना कि उनका सुझाव क्या है कोरोना को लड़ने के लिए लेकर, और वो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, और जनता की मदद के लिए उनके सुझाव क्या है। इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। स्वराज एक्सप्रेस की ओर से हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, कैमरामैन तौफीक के साथ मैं नाजमीन।